हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रल फैक्टर की। हम दो केस पढ़ चुके हैं, ये थर्ड केस, यानी हम दो केस जो पढ़े थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तब इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, और अगर फंक्शन f1xy dx + f2xy xdy = 0 इस फॉर्म में हो तब हम इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ये अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास कहीं ऐसा केस आ जाए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx + n dy = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके लिए 1 upon n del m upon del y - del n upon del x = f(x), ये आ जाए हमारे पास। तो उस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रल फैक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास e^(f(x)dx, यानी कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो जहां पर एफ एक्स जो फ्रेंड्स या तो फंक्शन ऑफ x होगा या कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तब भी ये ट्रू होगा, और फंक्शन ऑफ x है तब भी ये ट्रू होगा। अगर इस केस में हमारे पास इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो उसका इंटीग्रल फैक्टर है e^(f(x)dx है। इसको हम एक एग्जांपल देते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो भी एग्जांपल लेता हूं मोस्टली यूनिवर्सिटीज में वो रिपीट होते हुए एग्जांपल होते हैं, जो कि आपके तैयारी के लिए भी काम आएंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे आप, उसमें भी एक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये हमारे पास सपोज 3 xy - 2 ay² dx + x² - 2 ax y dy = 0। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर निकालने का एकमात्र यही तरीका है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो xy y² यानी यहाँ पे भी पावर सम, दोनों पावर्स का सम जो है 1 है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके भी इसका हम इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उस तरह से भी इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। बेसिकली अब जब हम ये मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे m बराबर है हमारे पास 3xy - 2ay² एंड n बराबर है हमारे पास x² - 2ax y। अब हमें क्या चाहिए, डेल m अपॉन डेल y, तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 3x - यहां से देखेंगे तो 4ay, ये हो गया। और डेल n अपॉन डेल x निकालें तो डेल n अपॉन डेल x यहां से निकालें, ये n है, तो ये हो गया हमारे पास 2x - 2ay। अब फिर डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x निकालना है, क्योंकि जो इंटीग्रल फैक्टर है वो है हमारे पास 1 upon n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ये इंटीग्रल फैक्टर है। तो 1 upon n क्या है ये, तो n को अगर x कॉमन ले लें यहां से तो ये लिख सकते हैं x - 2ay, ये हो गया। अब डेल m अपॉन डेल y, इसमें से इसको नीचे वाली टर्म को माइनस करें तो 3x में से 2x गया तो ओनली x बच गया। इस तरह से -4ay में से -2ay माइनस किया तो ये प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे ओनली -2ay बच जाएगा। तो अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 1 upon x। तो 1 upon x आ गया, fx बराबर क्या आ गया, 1 upon x। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल फैक्टर जो होता है इसका जो है e^(f(x)dx, तो ये होगा e^(1 upon x dx। तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, या इसको लिख सकते हैं x। तो ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रल फैक्टर, यानी x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो हम x से इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3x² y ऑफ dx - 2ax y²
डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई माइनस टू ए एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब अगर इन दोनों टर्म को हम साथ ले लें तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई माइनस, अब इन दोनों टर्म को साथ ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ए को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे डी एक्स है, और प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो फिर से अगर इसको हम देखें इस टर्म को, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब वाई, क्योंकि अगर जब इसका हम करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर और वाई को छोड़ देंगे, इसका हम करेंगे तो वाई का करेंगे तो डी वाई और एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस ए, और इसका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो टू एक्स और वाई स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा, जब वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर करेंगे तो टू वाई डी वाई, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।